हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज की अपडेट रहेगी खास, और इसमें आज के अपडेट में आपको कुछ वैकेंसीज की डिटेल बताने जा रहा हूँ जो वैकेंसीज आई हैं। तो आज ही इनका नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन और किस टाइप की वैकेंसी रहेगी और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या फ़ी रहेगी, कहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट जो है क्या रहेगी इसकी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी हैं, ये निकाली हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और इसमें आपको बता दूं कि पुलिस की इसमें वैकेंसी जो हैं निकाली गई हैं। तो पहले देख लेते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे 9/6/2019 लिखी है, पर 9/6/2019 नहीं, आज ही ये नोटिफिकेशन मैंने देखा है, शायद ये पहले आ गया होगा। और ओपनिंग डेट जो है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है 12/6/2019, यानी कि कल से जो है आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के थ्रू। और क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन वो रहेगी 26/6/2019, 11:59 तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे 26 तारीख तक, यानी कि 26 जून तक। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी यानी कि फीस आप जमा करवा पाएंगे 28/6/2019 तक। तो चलिए नेक्स्ट, ये आपको बता दी मैंने। और वेबसाइट इनकी रहेगी www.hssc.gov.in। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेस नंबर 67/70, सेक्टर 2, पंचकुला। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं ये कि यहाँ पे निकाली हैं 6400 वैकेंसीज हैं ग्रुप सी की, जो कि निकली हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं, 6400 वैकेंसीज हैं ग्रुप सी की। तो देखते हैं क्या इन्होंने मांगा है पूरा और प्रोसीजर क्या है। तो इन्होंने पहले बोला कि आप जो है लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें फॉर्म फिल करने को, कि आप वेट करते रहें लास्ट डेट का। और नीचे होगा, इन्होंने दिया होगा और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए कैसे फिल करना है। और आगे हम बात करें तो ये है, ये रहेगी डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। तो कैटेगरी नंबर 1, 5000 यहाँ पे पोस्टें हैं मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी की। तो ये यहाँ पे कैटेगरी रहेंगी, यहाँ जनरल SC, BCA, BCB, EWS, ESMM, जनरल ESM है ना, और यहाँ पे है SC, ESM, ESM, BCB। तो ये कैटेगरीज हैं, इनके अंदर ये पोस्ट जो हैं आएंगी। 5000 पोस्टें हैं मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। कैटेगरी 2 की तरफ हम चलें तो यहाँ पे 1000 पोस्टें हैं फीमेल कॉन्स्टेबल्स के लिए, यानी कि यहाँ पे फीमेल जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। तो जनरल ड्यूटी के लिए 1000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जनरल की 360, SC की 180, BCA, BCB, EWS, ESM, जनरल ESM, SC, ESM, BCA, ESM, BCB। तो ये यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी कैटेगरी 1, कैटेगरी नंबर 2 के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें कैटेगरी 1 और 2 के लिए, तो यहाँ पे 12th जो है कैंडिडेट जो होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पे रखी गई है कंडीशन कि मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिए हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी हाइट है देख लीजिए यहाँ पे दिया है सब कुछ। और एज रहेगी 18 से 25 साल, तो जिनकी एज 18 से 25 साल है और आपकी क्वालिफिकेशन है जैसे उन्होंने मांगी है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100, यानी कि 6910, लेवल 3 के हिसाब से जो आपको पे स्केल मिलेगा
और इन कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के लिए। और कैटेगरी नंबर थ्री की बात करें हम, तो यहाँ पे 400 वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर मेल के लिए। तो ये आप कैटेगरीज देख लीजिए। और सब एस आई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एस आई मेल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहेगी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट, और मैट्रिक होनी चाहिए विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर। और इसके लिए मेल कैंडिडेट्स जो हैं हाइट देख लीजिए, इधर चेस्ट भी देख लीजिए, और यहाँ पे रिजर्वेशन वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं इनकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। और इनके लिए एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो है यहाँ पे एज मांगी गई है 21 से 27 जो है एज होनी चाहिए। और आगे हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल इसका बहुत ही अच्छा है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के हिसाब से जो है आपको पे स्केल मिलेगा। तो बहुत अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और जो कैंडिडेट भरना यहाँ पे भरना चाहते हैं पुलिस का फॉर्म तो ये फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए फी डिटेल देख लेते हैं कि किसके लिए कितनी फ़ी यहाँ पे लगेगी। तो कैटेगरी वन और टू के लिए जनरल की देखें हम, तो मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगेंगे। फीमेल नॉन रेजिडेंस ऑफ हरियाणा यानी कि बाहर हरियाणा के बाहर के भी जो हैं अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए भी 100 रुपये फीस लगेगी। और फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंस के लिए 50 रुपये फीस लगेगी कैटेगरी वन और टू के लिए। और आगे यहाँ पे कैटेगरीज हैं एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, तो ये हरियाणा स्टेट्स वालों के लिए है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 25 रुपये जो इस कैटेगरी में आते हैं एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस हरियाणा के हैं। और फीमेल्स के लिए जो है 13 रुपये यानी कि 13 रुपीज़ लगेंगे ओनली, तो फीस बहुत कम है। और एक बात यहाँ पे और कि ये बाहर के हरियाणा के बाहर के भी जो हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर थ्री के लिए हम देखें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये लगेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 185 ही रुपये लगेंगे जो नॉन रेजिडेंस ऑफ हरियाणा हैं। और फीमेल जो हरियाणा से हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हैं 75 रुपये यानी कि 75 रुपीज़ आप यहाँ पर आपके लगेंगे। और जो कैटेगरी में आते हैं जैसे रिजर्वेशन में आते हैं तो उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी कैटेगरी नंबर थ्री के लिए। तो यहाँ पे फीस उन्होंने नहीं लिखी है। और एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई भी चार्जेज आपके नहीं लगेंगे यानी कि आप जो है फ्री में ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सभी के लिए वैकेंसीज हैं। और क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, और यहाँ पे तब देख सकते हैं ये क्या क्या कुछ आएगा इसमें एग्ज़ाम में। फिजिकल फिटनेस स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और मेल कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट जो है फिजिकल में आपको 2.5 किलोमीटर करनी पड़ेगी 12 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 1 किलोमीटर करनी पड़ेगी 6 मिनट्स में, यानी कि 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और एक्स सर्विस मैन की बात करें तो 1 किलोमीटर आपका होगा रनिंग, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट। और आगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखें एडिशनल क्वालिफिकेशन ये बाद में होता है। और आगे देखें हम तो आगे यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर बेस्ड, यहाँ पे अभी बताया नहीं है कि किस टाइप का यहाँ पे टेस्ट होगा, पर लिखा है आइदर ऑनलाइन सीबीटी और ओएमआर बेस्ड इज लाइकली टू बी हेल्ड फ्रॉम यानी कि ये होगा जुलाई से 13 जुलाई 2019 से 18 अगस्त 2019 तक। और आपके जो है डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएंगे जब आपका एडमिट कार्ड इसका आएगा। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से कमीशन की तरफ से ये वैकेंसीज हैं और इनका नोटिफिकेशन आज यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और
आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, अगर आप ज़्यादा जानकारी इनके बारे में यहाँ देखना चाहें। और इस पीडीएफ का लिंक और एक और पीडीएफ है, उन दोनों का, इसका और दूसरे पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि 28/6/2019 जो है फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है, और क्लोजिंग डेट यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 26/6/2019। और कल से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, वहाँ उसके ऊपर फिर नोटिफिकेशन के आगे लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ देख लीजिए, वेबसाइट रहेगी www.hssc.gov.in। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।